प्रॉब्लम्स रहेगी वो मैंने आपको बता दी है, और ये वाली प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स आपको नहीं बताने वाले। इसको लेने वाले हो भाई, इस कबाड़े फोन को लेने वाले हो तो उसकी जगह आप, मैं तो चाहूंगा, कल Realme ने अपना Realme 10 Pro Plus लॉन्च किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि Realme ने अपने फैंस के साथ बहुत ही गंदा वाला मजा किया है। आज मैं इस वाले फ़ोन के बारे में आपको पांच इसकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स को बताने वाला हूं, जो कि अगर आप लेने वाले हो या फिर लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्त, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो टेक्निकल विशाल, जिसे फिलहाल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत ही जेन्युइन वीडियोज़ बनाता हूं और फोन्स की ऐसे ऐसे कोन्स बताता हूं जो कि पेड यूट्यूबर्स पैसों के लालच में आपको नहीं बताते। सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका Realme 10 Pro Plus का चाइनीज वेरिएंट इंडिया में लाके अनबॉक्स कर दिया ताकि कुछ व्यूज आ सके और थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो जाए। और चाइना में इसकी प्राइस करीब 19,500-20,000 के करीब थी, जो कि इन्होंने बता दी कि भाई इतने का आएगा, आप ले लेना, बला 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 बला। पर एक्चुअल में जो इसकी प्राइस है वो 6GB 128GB रैम वेरियंट के लिए 26,000 रुपये है, और इसका एक और वेरियंट है 8+128, उसके लिए 28,000 रुपये है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और जो मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को लगी ना, वो है इसका OS। इस वाले फोन में आपको Realme UI 4 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और Android 13 पर रन करता है। अरे यहाँ तक बातें बिल्कुल ठीक है, एंड मैं एक भी बार वीडियो में ये नहीं बोल रहा कि Realme UI बहुत ही लैग करता है या फिर बहुत जिटर देता है या फिर बहुत बेकार UI है, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इसके एड्स के साथ, इसके ब्लोटवेयर के साथ, इसके रिकमेंडेशन के साथ। यूट्यूबर है ज्ञान थेरेपी जिन्होंने इसको अनबॉक्स किया, एंड हर यूट्यूबर के पास, इसका बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं मैं, इसका रिव्यू यूनिट पहुंचा कंपनी की तरफ से। हर किसी ने अनबॉक्सिंग की, तारीफें की, ये किया वो किया, मतलब सारी पेड वीडियोस थी। बट आई सल्यूट टू ज्ञान थेरेपी जिन्होंने एकदम, मतलब फोन को एकदम सैड कर दिया। अगर आपने ज्ञान थेरेपी की वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट कि आप देखना। उन्होंने भाई इसको अनबॉक्स किया एंड इसके UI देख के भाई पूरे फोन का रिव्यू ही नहीं किया, एंड उन्होंने जो बोला वो आप सुन सकते हो। तो मैं इस फोन पे बात नहीं करना चाहूंगा। हाँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करोगे सिर्फ आपके लिए, क्योंकि एज अ रिव्यूअर मेरा काम है, मैं इसका कैमरा कंपैरिजन वगैरह जो भी अगर आप चाहोगे मैं ट्राई कर सकता हूँ, वो आप बता देना। लेकिन इस वीडियो के लिए यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। आई होप आप समझेंगे मेरी इस बात को। आसान नहीं होता, ब्रांड का क्या है वो मुझे ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बार जो Realme UI 4 इसमें जो पड़ा हुआ है वो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये 26 या 28 हज़ार रुपये के फ़ोन को दिखा रहा है। लाइक इसमें बहुत ही ज़्यादा एड्स हैं, ब्लोटवेयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे ब्लोटवेयर्स हैं, एंड जो इसमें जो रिकमेंडेशन आती है भाई बहुत ही गंदी, सेक्स वीडियो, ये वो सॉफ्ट पॉर्न टाइप की बहुत ही उल्टे सीधे नोटिफिकेशंस और रिकमेंडेशन आती हैं। लाइक हर यूट्यूबर ने ये दिखाया है, कुछ को छोड़ के जो कि भाई बिक चुके हैं उनको छोड़ के बता रहा हूँ मैं। आप एक 26,000 का फ़ोन खरीद रहे हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपने एड्स के लिए पैसे दिए हैं। यू वॉन्ट की क्लीन UI हो, एंड इस प्राइस में टू बी ऑनेस्ट कोई भी UI ले लो। आज के टाइम पे MIUI भी काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। फन टच OS को ले लो, One UI के ले लो, या फिर स्टॉक एंड्रॉइड तो है ही सबका किंग, किसी में भी ऐसी चीज़ नहीं आती। इसमें बहुत सारी सॉफ्ट पॉन टाइप नोटिफिकेशंस आते हैं, रिकमेंडेशन आते हैं। लाइक जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद बहुत उल्टे सीधे नोटिफिकेशंस या फिर रिकमेंडेशन आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। एंड 28,000 रुपये बहुत होते हैं भाई एक फ़ोन को परचेज करने के लिए। सो OS तो भाई वैसे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो एड्स वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत सीरियस है। एंड आई वॉन्ट कि ये चीज़ें निकल जाएँ तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट फिलहाल के टाइम पे हम देखते हैं तो ये वाली चीज़ें आ रही हैं, एंड सो ये भाई ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्राइस में। एंड मेरे को एक चीज़ देख के बहुत ही बुरा लगा, लाइक ये Realme की नंबर सीरीज का सबसे हाई एंड स्मार्टफोन है, जो भी 9, 10 ऐसे करके जो सीरीज आती है, एंड उसमें भी एड्स ब्लोटवेयर इतना ज़्यादा डाला है। लाइक अगर आप किसी और कंपनी का फ़ोन देखते हो, लाइक ओप्पो का, वीवो का, या फिर किसी और का कंपनी देखते हो, तो वो हो सकता है कि 8,000 वाले सस्ते फ़ोन में तो ब्लोटवेयर डाल दें, क्योंकि वहाँ पर प्राइस को कंट्रोल करके रखना है। बट वो जब भी प्रीमियम फोन बनाते हैं तो वहाँ पे इतना ब्लोटवेयर या फिर ऐसे वल्गर एप्स नोटिफिकेशंस वाली चीज़ें नहीं डालते, बट Realme ने तो हाई एंड में ये डाल के दिया है। एंड जो दूसरी मेरे को मेजर प्रॉब्लम लगी, हो सकता है कि आप उससे डिनाई करो स्टार्टिंग में, बट मेरा पॉइंट एंड होने तक आप मेरे से एग्री करोगे डेफिनेटली, वो है इसका कैमरा। लाइक इस वाले फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि सैमसंग का HM6 सेंसर है, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वायर, और तीसरा कैमरा जिसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली बैक कैमरे की। अगर आपको याद हो तो जो Realme 9 Pro Plus था उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर था, IMX766, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावायर था और 2 का मैक्रो था। Realme ने वो भी फ़ोन 25,000 में लॉन्च किया था, एंड उसमें आपको OIS देखने के लिए मिलता था। बेशक वो OIS वीडियोस में काम नहीं करता था, बट जब फोटोज़ आप क्लिक करते हो तो लो लाइट में इतने तंगड़े फोटोज़ आते थे। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखे हैं, उन्होंने बस यही कहा है कि Realme 9 Pro Plus जैसा इस बजट में कोई भी नाइट फोटोग्राफी नहीं कर सकता फ़ोन।
एंड इस वाले फोन में जो आपको सेंसर है वो नो डाउट है तो अच्छा, लेकिन रियलमी 9 प्रो प्लस से जो अपग्रेड आपको मिलना था वो डेफिनेटली देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी तो देखो पेड वीडियो आ रहे हैं, आप 10 दिन 15 दिन के बाद अगर इस वाले फोन की जो वीडियोस देखोगे जिसमें कैमरा कंपैरिजन वगैरह है, और मैं चाहूंगा कि किसी अच्छे यूट्यूबर की आप देखें, तो वहां पर रियलमी 9 प्रो प्लस से ये बीट ही हो जाएगा, उसको आप ये सरपास नहीं कर पाएगा। और सबसे गंदी बात ये है, जब 9 प्रो प्लस में ये लोग OIS को दे चुके हैं तो यहाँ से हटा क्यों लिया, यहाँ पे भी OIS को कंटिन्यू करना था। और एक और चीज़ जो मेरे को लगी, लाइक आप जब भी कोई नंबर सीरीज हाई एंड लेते हो और उसी प्राइस में अगर फ़ोन कंपनी का कोई और सीरीज आता है, लाइक देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, नंबर सीरीज का ये फ़ोन है 28,000 तक जाता है एंड इस प्राइस में रियलमी के GT सीरीज के कई सारे फ़ोन्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रीमियमनेस, जो प्रीमियम फीचर्स आपको मिलेंगे, वो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिसिंग होंगे। कहने के लिए तो यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स होंगे बट उस लेवल के फीचर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। अब इस वाले फ़ोन में कहने के लिए तो Dimensity का नया वाला प्रोसेसर है जो कि Dimensity 1080, जो कि Dimensity 920 का अपग्रेड है। अब कहने के लिए दो नॉन प्रोसेसर 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बने हैं, और अंतर जो है ना वो इतना है कि Dimensity 920 में जो पीक कोर थी वो 2.5 GHz पे क्लॉक थी एंड यहाँ पे वो 2.6 GHz पे क्लॉक कर दी है। कोई भी अंतर नहीं है, बस कहने के लिए अंतर कर दिया है ताकि 1080 नंबर बड़ा लगे और लगे कि प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल है। AnTuTu ये 5 लाख के करीब निकाल के देता है और इतना ही Dimensity 920 भी देता है। अब पता है आपको सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आने वाली है, इस वाले फ़ोन में आपको DDR4X रैम है जो कि 25-26 हज़ार में ठीक है भाई, ये वाली रैम टाइप कई सारे फ़ोन से मिलती है, बट आप 28,000 के फ़ोन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि UFS 3.1 स्टोरेज मिले, बट यहाँ पे जो आपको मिलती है वो UFS 2.2 मिलती है। एंड आई कैन बैट कि 25-28-30 हज़ार के फ़ोन में आप किसी भी ब्रांड का देख लो, वीवो का, आईकू का, सैमसंग, किसी का भी आप देख लो, हर फ़ोन में आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज मिलती है एंड यहाँ पे UFS 2.2 दिया है, क्योंकि बिल्कुल भी भाई परफॉर्मेंस उस लेवल का तो नहीं मिलेगा जो कि आपको अदर फोन्स मिलते हैं। लाइक देखो अभी के टाइम पे जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 23,000 रुपये में आपको मोटो का A30 मिलता है, उसमें भी आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज है एंड प्रोसेसर Dimensity MediaTek का नहीं है, वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 778G+ वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि Dimensity 920 और 1080 से मच बेटर है। आप अगर 1,000 रुपये अगर मिला दो तो 29,000 रुपये में आपको IQ का Neo 6 मिलता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 मिलता है, 7 लाख प्लस उसका AnTuTu स्कोर आता है जो कि इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड IQ Neo 6 अपने आप में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन भी। और इतना ही नहीं, 30,000 रुपये में आपको IQ का 9S मिलता है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलता है जो कि भाई Dimensity 1080 उसके कहीं पे भी आसपास में भी नहीं है। और एक फ़ोन को तो हम भूल ही गए, इस प्राइस का बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड फ़ोन 27,500 रुपये में आपको नथिंग फ़ोन 1 मिलता है जिसमें अभी आपको स्नैपड्रैगन 778G+ मिलता है। तो परफॉर्मेंस वाइज भाई ये उस लेवल का फ़ोन नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। 26,000 रुपये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, अगर यही फ़ोन अगर 22-23 हज़ार रुपये में लॉन्च किया होता तो ये एडजस्टेबल था, जस्टिफाइड था, बट 26,000 और जो हायर वेरिएंट है 28,000 भाई बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मेरे को लगी वो है भाई इसका कंस्ट्रक्शन। लाइक पीछे से देखने में फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, पसंद अपनी सब्जेक्टिव होती है, बट एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, ये वाला फ़ोन बैक साइड से प्लास्टिक का बना हुआ है एंड Realme 9 Pro Plus में जो ग्लास बैक आया था उसकी भाई अलग ही कीमत थी, अलग ही वैल्यू थी। होल्ड करने में ग्लास या फिर मेटल हमेशा प्लास्टिक से ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं, तो भाई 9 Pro Plus में आप ग्लास दे चुके हैं, यहाँ पे प्लास्टिक का क्या सेंस बनता है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। और अगर छोटे में मैं डिस्प्ले को बात करूँ तो देखो डिस्प्ले के लिए मैं एक लाइन बोलूँगा, उसको आप ध्यान देना, ये डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज में से एक है जो इस प्राइस पे आप गेट कर सकते हो, पा सकते हो। लेकिन इस डिस्प्ले के साथ एक प्रॉब्लम है, इस वाले डिस्प्ले में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। लाइक जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक देखे किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता कि कौन सा प्रोटेक्शन है, Realme ने खुल के नहीं बताया, सो हम यही मान के चलते हैं कि इस वाले फ़ोन की डिस्प्ले में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। अब कहने के लिए तो ये 120Hz का एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग है, HDR का सर्टिफिकेशन है, वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन है, बट अगर डिस्प्ले में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, एक बार के लिए अगर ये डिस्प्ले गिरा तो मैं पक्का बता सकता हूँ कि 10-15 हज़ार का आपका खर्चा जरूर आने वाला है, और टूटने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। सो रियलमी कोई प्रोटेक्शन देना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा अगेन कि डिस्प्ले बेकार है, डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस में, इससे अच्छा डिस्प्ले आई डोंट थिंक कि आप इस प्राइस में ले भी पाएंगे किसी फ़ोन में। लास्ट प्रॉब्लम जो मेरे को लगा वो इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आप में से अगर कोई गेमिंग करना चाहता है या फिर कोई रेगुलर यूज़र है उसके लिए काफ़ी बड़ा है। इस वाले फ़ोन से रियलमी हेडफोन जैक हटा चुका है। अब मेरे को समझ नहीं आता भाई कौन से किताब में ऐसा लिखा है कि अगर आप हेडफोन जैक को हटा दोगे तो आप प्रीमियम ब्रांड बन जाओगे, आप बहुत एप्पल के कंपटीटर बन जाओगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है,
कंपनीज को वो देना चाहिए जो कि यूजर को सबसे ज्यादा नीड है। अब हेडफोन जैक का भाई आजकल हर किसी को नीड होता है। देखो अभी ब्लूटूथ का जमाना आ गया है और बहुत सारे लीजेंड अभी भी ऐसे हैं जो कि हेडफोन जैक वाले कनेक्टर से ही म्यूजिक सुनते हैं। सो हेडफोन जैक देना चाहिए, तो भाई इसमें क्या ही प्रॉब्लम आती है। और इसमें आपको कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। सो आप 128GB का वेरिएंट आपको मिलेगा 26,000 में भी और 28,000 में भी। सो अगर आपको ये कम पड़ता है सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस, अगर आपको कम पड़ता है तो भाई सोच लेना, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अब देखो अगर कंक्लूजन की बात करें तो जो मेरे को प्रॉब्लम्स लगी वो मैंने आपको बता दी है, और ये वाली प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स आपको नहीं बताने वाले क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो एम्बार्गो टाइम चल रहा है और यहाँ पे अभी पेड वीडियोज ही आने वाली है। आप जो लॉन्ग रन के वीडियोज आएंगे, जो रिव्यू टाइप आएंगे, वहाँ पे आपको पता चलेंगी। एंड अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे हो कि भाई तूने इसमें कमियां बता दी, अब कोई ऐसा फ़ोन भी बता दे जो इस प्राइस में लेने लायक हो। तो देखो सबसे पहला आपको अगर कोई स्लिम ट्रिम 5G फ़ोन चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ मोटो का A30 है, 23,000 रुपीज़ में अभी फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। और अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आपको सब कुछ पावर पैक्ड मिल जाए तो आप 29,000 रुपीज़ में, या फिर आप वेट कर सकते हैं सेल वगैरह का, आपको आइको नियो 6 मिल जाएगा। इस फोन में अच्छा AMOLED डिस्प्ले भी है, पावरफुल प्रोसेसर भी है, कैमरा सिस्टम भी ऐसा है जिसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, बैटरी भी बड़ी है एंड चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा मच बेटर है Realme 10 Pro Plus से। सो आई रिकमेंड कि अगर आप इसको लेने वाले हो भाई, इस कबाड़े फ़ोन को लेने वाले हो, तो उसकी जगह आप, मैं तो चाहूँगा कि IQOO NEO 6 लो, वो मच बेटर डील है। फिलहाल इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आया जो कि किसी ने भी अभी तक नहीं बनाया, किसी ने भी इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं की है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ लाइक कर सकते हो, और वीडियोस ऐसे देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।